नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सिर्फ दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ जानेंगे देश विदेश का हाल। तो डालते हैं सबसे पहले मुख्य सुर्खियों पर नजर। पंजाब दिल्ली एनसीआर में कोहरे का रेड अलर्ट, 134 फ्लाइट लेट, एमपी के 6 शहरों में ओले गिरने की संभावना। एसवाईएल विवाद पर पंजाब हरियाणा सीएम की मीटिंग आज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में है सुनवाई। जोमेटो को मिला 401 रुपए करोड़ का जीएसटी नोटिस। कंपनी ने कहा रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए लेती है डिलीवरी चार्ज, टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं। दरभंगा अयोध्या तक आज अमृत भारत ट्रेन का होगा ट्रायल। बिहार की पहली पुल पुश नॉन एसी ट्रेन 22 कोच 30 सितंबर से वीकली चलेगी। लुधियाना में गर्म चाकू से दागा बच्ची का चेहरा। पावरकॉम की रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट ने पीजी में 2 साल से बना रखा था बंधक, डस्टबिन से खाती थी खाना। अब प्रदूषण जांच का वीडियो बनाना अनिवार्य, वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। फ्रांस में रुके 25 भारतीय भी लौटेंगे। कोर्ट ने शरण मांगने की अर्जी खारिज की। कहा बॉर्डर पुलिस ने तय समय में जानकारी नहीं दी। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले पुतिन। पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। कहा उनसे यूक्रेन जंग के समाधान पर चर्चा करूंगा। इंडोनेशिया के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में घुसे स्टूडेंट्स, कहा शरणार्थियों के वजह से हम भूखे मर जाएंगे। बच्चों को लेकर भागते दिखे रिफ्यूजी। थाईलैंड में भारी बारिश के कारण बाढ़, 6 लोगों की मौत। 5 राज्यों में 70,000 घर बाढ़ की चपेट में आए, लाखों लोग प्रभावित हुए। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।